एक बार जर्मन में एक रिक्शा पुलर का या कोई लेबर का बेटा बहुत जोर बुखार हुआ। उसको जर्मन में डॉक्टर के पास लेके गए, मेडिसिन दिया, एक दिन गया, 2 दिन गया, ठीक नहीं हो पाया, बुखार और तेज बढ़ा। डॉक्टर देखा, कुछ देर के बाद बच्चा मर गया है। टेथो लगाया, हार्ट बीट देखा, पल्स देखा, श्वास देखा, कुछ नहीं चल रहा है। डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा मर गया। तो ये जो रिक्शा पुलर या लेबर था, छोटा सा बच्चा को कंधे में उठाया और लेके मिट्टी में कब्र देने के लिए ले गया। मिट्टी खोदा, बच्चा को सुला दिया और मिट्टी कुछ ढाका इतना दूर तक। बोला कि एक ही बेटा था, अब तो गाड़ दूंगा तो जिंदगी में कभी देख नहीं पाऊंगा, तो इसका चेहरा देखता हूँ करके गाड़ा। बहुत दुखी था, बेटा था उसका, ऐसा बैठ के गड्ढा के ऊपर देख रहा है उसका चेहरा। देखते देखते कुछ सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, मन में भावना आ गया, दुख आ गया, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, ऐसा करके देख रहा है। इतने में बारिश होने लगा। मिट्टी और पानी और कादो धीरे धीरे बढ़ने लगा और ज्यादा बारिश हुआ, सारा माटी गीला हो गया। अंदर पानी गिरते गिरते, क्योंकि चारों तरफ माटी दे दिया था, तो अंदर का पानी जा नहीं पाया, तो बहुत देर हो गया, आधा घंटा 1 घंटा बारिश में पानी और कादो बढ़ते बढ़ते बच्चा का नाक तक पहुंचने लगा। हो गया आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ, तब तक उसका बच्चा का मुंह देख रहा है और देखा कि उसका बच्चा का आँख ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। तो पहले तो भूत बोल के दौड़ के भागा, फिर बोला यार बच्चा तो मेरा ही है। दौड़ के जाके तुरंत माटी पानी हटाया, पकड़ा, देखा पॉल्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है, श्वास चल रहा है, लेके गया और डॉक्टर को खींच के एक थप्पड़। कैसा बोल रहा है, मर गया था, जिंदा तो है। डॉक्टर फिर टेस्ट किया, पल्स देखा, हार्ट देखा, टेथो लगाया, बोला अरे ये तो जिंदा है, क्या किया तुम ऐसा? बोला कुछ नहीं किया, ऐसा गाड़ दिया था, बारिश हुआ, पानी हुआ। और कहते हैं लुई कुने करके कोई डॉक्टर था, वो उसके ऊपर उसका दिमाग ठनक गया, रिसर्च करने लगा, प्रचंड अन्वेषण किया, बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके माटी में गाड़ा, बहुत से चीज के ऊपर उसका अध्ययन करने लगा, सूक्ष्मात सूक्ष्म लेवल पे अध्ययन किया। उसके बाद पता चला कि माटी एक ऐसा तत्व है जहां पर आप अगर कोई बीज देते हो तो क्या होता है, और कोई सड़ गया, पक गया, कोई मर गया है, ऐसा मूसा मूसी, एंडा ओंडी, गंडा गंडी, मेंडा मंडी, आदमी को मट्टी में गाड़ो तो क्या होगा, फर्टिलाइज कर देता है। तो माटी में वो शक्ति है जो आपके बॉडी में डेड सेल्स हैं, आपके शरीर में जो मरा हुआ जीव कोष है जो आपका शरीर निकाल नहीं पाता है, मिट्टी में वो दम है कि उसे वो कन्वर्ट कर देता है। और आपके शरीर में जो बीजाकृत कोष है उसको उज्जीवित करता है। मिट्टी में जब आप गड़ोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है, जो लोग गया शिविर में मिट्टी में गड़े हैं उनको पूछना, एक प्रेशर आता है, तो आपका ब्रीदिंग के ऊपर एक प्रेशर आता है, होल बॉडी के ऊपर मसाज होने लगता है, पूरा सोचो बॉडी दब गया है मिट्टी में। अनुभव लो कि मिट्टी में जब आप कब्र में जाओगे तो कैसा लगेगा, और उस प्रेशर में, एक लिमिटेड प्रेशर में आप ब्रीथिंग भी ले रहे हो और जी रहे हो, और ये जब उसमें क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मिट्टी का कांटेक्ट आने के कारण आपके शरीर का मॉर्मेट मैटर, कचड़ा, मैला, गंदगी, मिट्टी सोख लेगी, निकाल लेगी। तो जैसे आप बोल रहे हो पेट गुड़गुड़ हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, परसों मैं इसीलिए जानबूझ के रखा कि आपको मिट्टी कवर देंगे, कल आप लोग मिट्टी पट्टी लोगे। मिट्टी पट्टी कैसे बनाते हैं कल देखोगे। कपड़ा लिया ना चोकर, या लकड़ी का तख्ता ले आओ, माटी को बहुत अच्छा से खोद के मिलाना है, ऐसे जगह का माटी हो जहां पर आदमी झाड़ा पेशाब नहीं किया,
कोई मरा हुआ सब नहीं गड़ा हो। एक हाथ मिट्टी खोदने के बाद नीचे का मिट्टी निकालना, उसको कादो बनाना, अच्छा कादो बनाना, ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, जैसे वो आटा गूंदने लायक हो जाए, और इतना मोटा मीन्स नियर अबाउट 1 इंच से 1.5 इंच पूरा पट्टी नाभि से नीचे लोअर ऑर्गन्स तक ढका हुआ रहेगा। एक पट्टी आँख में रहेगा। धूप स्नान 7, 8, 9 बजे का धूप में नीचे पत्ता का बिस्तर रहेगा। जंगली पत्ता अवेलेबल है, सफिशेंट, जंगल में हो आप अभी, पत्ता का बिस्तर में आपको सोना है। उस मट्टी का जो यहां दोगे, दो पत्ता रख दोगे, ग्रीन लीव्स, 30 मिनट, उससे नॉट मोर देन दैट। क्या हो रहा है, जो ध्यानी है वही समझेगा कि हो क्या रहा है अंदर, कैसा लगा बताना। पेट का किसी का दर्द है, गुड़गुड़ है, पेट का समस्या है, कहीं पर दर्द है, मिट्टी पट्टी रखने से छूट जाता है। मेरा पूज्य गुरुदेव अभी शरीर में नहीं है, पूर्णचंद्र पंडा, नेचुरोपैथी का डॉक्टर, मेरा नेचुरोपैथी का पहला गुरु, हम लोग को साल में 1-2 बार नेचुरोपैथी पिकनिक गेट टुगेदर का मौका मिलता है। सारा फूड नेचुरल खाते हैं हम, जो भी बनाया गुरुजी खुद खड़ा होकर बनाते हैं, लाल चावल का भात, सलाद, दही आलू, देन छिलका का सब्जी, जो छिलका काट के फेंकते हो ना, मटर का छिलका, ऐसे बहुत सारे छिलका का वो बनाते हैं। 27 प्रकार का चटनी बनाते हैं, 27 टाइप, चना का चटनी, बादाम का चटनी, नारियल का चटनी, पुदीना का चटनी, धनिया का चटनी, सरसों का एक अलग चटनी, ऐसा करके मेरे पास वो लिस्ट है, कहीं ना कहीं होगा नेचुरोपैथी डायरी में, 27 टाइप ऑफ चटनी। चटनी चिकित्सा बोलते हैं, चटनी खिला के ही सारा रोग ठीक कर देते हैं। तो उनका लाइफ का रिसर्च था, और उनका सबसे बेस्ट लगता था बादाम का चटनी, और उनका रूल था ऐसा एक दिन भी जिंदगी में खाना नहीं खाए जिस दिन उनके भोजन में चटनी नहीं हो, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड। बोलते बिना चटनी का जो भात खाता है उससे महामूर्ख और बीमार तो कोई हो नहीं सकता। और चटनी बांटने के लिए कई सारे उनके पास पत्थर के सिलो सिलपुआ रखते थे, गोल वाला, सिलवटा गोल वाला, पचका वाला, लंबा वाला, चुटका वाला, सारे। मेरा गुरुजी चटनी, सूप, दूसरा उनका लाइफ का सबसे बड़ा चॉइस था सूप। जब तक जिए पूरे निरोग, कभी कोई नहीं बोलेगा किसी दिन एलोपैथी का एक टेबलेट निकला हो। बाजार जाएंगे जितने कम दाम का सब्जी हो सके, उस समय 4 आना का टमाटो, 8 आना 50 पैसा का बैगन, केला मुश्किल से 2 आना 3 आना 3 आना आना चलता था मेरा बचपन में, इतना ले आएंगे। मैं बोला गुरुजी आप और गुरुमा, बेटा तो बाहर नौकर चाकर गुलाम, खाएगा कौन? बोला तू, बोले इतना तो नहीं खा सकता, 1-2 केला खाऊंगा तो खाऊंगा, सब मैं ही खाऊंगा। बोले हाउ इट इज पॉसिबल? बोला देखो आओ आज बताता हूँ, तेरे को भी 10 किलो केला अभी खिलाऊंगा, सब काटेंगे, छिलका उलका अलग, बड़ा सा मिट्टी का घड़ा इतना बड़ा डाल दो। डाल दिया, लगा पानी, लगा आग, दोनों गुरु चला बिट के फट 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 फूटेगा, धीमी आंच, ज्यादा आंच नहीं जाएगा। बढ़ाते 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 सब को ऐसे ऐसे मार मार के मेल्ट कर देंगे, लाइपेज सेक्शन पे चला जाएगा। फिर बोलेंगे उसको हल्का ठंडा करो, फिर कपड़ा लाओ, चिपो, जाली वाला सूती कपड़ा चिपो, चिपेगा रस निकलेगा, बैठा पानी में, आग में काला नमक, काला जीरा, धनिया पाउडर, काला मिर्ची, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा अदरक, सब दे के बनेगा क्या? सूप। वह काढ़ा का नाम और फिर मस्त एकदम बड़ा प्यार से चपक 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 खा लें। देखा 20 किलो केला अकेला, 20 किलो केला अकेला, कौन सा कलर है? उसके अंदर का जो जीस्ट होता है वही। यस,